अल्कोहल ते आधारित जाली सैनिटाइजर बनाउन वाली फैक्ट्री बेनकाब। राजपुरा विखे फैक्ट्री चो जाली सैनिटाइजर ते लेबल समेत होर समग्री बरामद। आबकारी विभाग पंजाब, पटियाला पुलिस, आईआरबी अते सेहत विभाग ने कल देर शाम एक वड्डी कार्रवाई करदिया राजपुरा विखे दो थावां ते छापेमारी करके अल्कोहल ते आधारित जाली सैनिटाइजर बनाउन वाली एक फैक्ट्री बेनकाब कीती। जानकारी दिंदिया पंजाब दे आबकारी कमिश्नर श्री रजत अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी हदायतां ते आबकारी विभाग वल्लों पंजाब सरकार दी नकली ते नाजायज शराब, अल्कोहल ते आधारित नाजायज कारोबार आदि प्रति अपनाई जीरो टॉलरेंस दी नीति नूं सख्ती नाल अमली जामा पहनाया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने दस्या कि कल देर शाम एक गुप्त सूचना के आधार से आबकारी विभाग पंजाब, स्थानक पुलिस, आईआरबी अते सेहत विभाग ने सांझी कार्रवाई करदिया अल्कोहल ते आधारित जाली सैनिटाइजर बनाउन वाली फैक्ट्री फड़ी है। उन्होंने दस्या कि इस विचों 5-5 लीटर दीआं वड्डीआं केनियां बने हुए सैनिटाइजर नाल भरियां 4000 बोतलां जिन्हां ते इथाइल अल्कोहल लिखा होया सी तो इलावा वड्डी मात्रा च खाली बोतलां, ढक्कन, लेबल जिन्हां च जगतजीत इंडस्ट्री हमीरा दे लेबल शामिल ने ओह वी बरामद किए गए। इस दे नाल ही एक 35 लीटर दे करीब स्प्रिट वर्गा तरल पदार्थ अते सैनिटाइजर प्रेशर पंप भी मिले। इस ऑपरेशन बारे होर वधेरे जानकारी दिंदिया आबकारी संयुक्त कमिश्नर आबकारी पंजाब नरेश दुबे ने दस्या कि इस फैक्ट्री वाले कोल विभाग दा L42B लाइसेंस भी नहीं सी ते ना ही सेहत विभाग वल्लों ड्रग संबंधी लाइसेंस पाया गया। उन्होंने कहा कि अमन सगी नाम दे व्यक्ति दा नाम सामने आया जिस बारे पड़ताल की जा रही है अते घर विचों बनिया जाली सैनिटाइजर वड्डी मात्रा च बरामद होया। श्री दुबे ने दस्या कि आबकारी विभाग वल्लों इस मामले संबंधी आबकारी एक्ट दियां धाराओं तहत मामला दर्ज करवाया जा रहा है जबकि बरामद किए गए तरल पदार्थ दे सैंपल भरे गए ने ताकि यह पता लगाया जा सके कि फड़िया गया सैनिटाइजर इथाइल अल्कोहल ते आधारित है जां मिथाइल अल्कोहल ते आधारित। उन्होंने कहा कि इस मामले की होर अगलेरी पड़ताल की जा रही है। इस मौके उन्होंने नाल ETO मेजर मनमोहन सिंह, ड्रग इंस्पैक्टर, पुलिस अधिकारी ते होर विभाग अधिकारी मौजूद सन। ड्रग इंस्पैक्टर्स फ्रॉम ड्रग अथॉरिटीज, लोकल पुलिस, साड़ी IRB, अज जी असी जिवें एक होर एक्शन करते हुए सानू ये मुखबरी मिली सी कि ये फैक्ट्री चों इस फैक्ट्री हैगी है जिहदे विच कि जाली हैंड सैनिटाइजर बनाए जा रहे मिथाइल अल्कोहल दे नाल, तो उस लीड नू फॉलो करते हुए अज असी 2-3 थावां ते छापेमारी की है जी जिहदे विच सानू एक फैक्ट्री जिहड़ी कि फोकल पॉइंट राजपुरा च है ये किसी इन्हों का घर हैगा जिहदे विच इन्होंने उत्थों माल बना के इत्थे लैके आंदे हैगे तो सानू भारी मात्रा दे विच फिनिश्ड गुड्स इत्थे मिले हैगे जिहड़े हैंड सैनिटाइजर है मिथाइल अल्कोहल तो बनता हैगा प्लस सानू जाली लेबलों नाल रिश्तो कर रहा ठीक है ना इस तरह का बनया हैगा ये बनया हुआ ये सानू जाली लेबल मिले हैगे है जिहड़ा कि ये लाते हैगे जी ये लेबल जिहड़ा हैगा ये जगजीत हमीरा का हैगा जगजीत हमीरा उन्हों का लेबल यूज़ कर रहे हैं ये सानू खाली इन्होंने लेबल जिहड़े कि वो उपर लगने 5-5 लीटर की कैनी के उपर ये भी बरामद हुए हैं ये असी अज ये खिलाफ कार्टिक 14 च परचा दर्ज करावे तो यदि तफ्तीश करा भी ये एक्चुअल माल की हैगा वो लबोरटरी फूड लबोरटरी तो ही होएगा। ड्रग इंस्पैक्टर साहब आए हुए हैं ड्रग वालों बुला लो यार ठीक है ना तो वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखो राजपुरा ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली हो सकता है क्योंकि बॉर्डर टाउन है इतों माल दिल्ली भी जा सकता है कितने भी जा सकता है तो यह सहूलियत के कारण हो सकता है कि जो बंदे है ऐसे वो इस तरह का धंधा हमेशा स्टेट बॉर्डर के नेड़े करते GT रोड से है किन्ने को लखा माल होना चाहिए हाली देखो ये करना पेगा हाली चल रहा है हाली काउंट हो रहा है ड्रग्स तो आए ने आओ जाओ हाँ लोकल थोड़ा ना की जी। चढ़दी कला टाइम टीवी राजपुरा पटियाला तो अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। चढ़दी कला टाइम टीवी राजपुरा पटियाला तो मदन लाल की रिपोर्ट। सबसक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी लेटेस्ट अपडेट पाने प्रेस करो बेल आइकन।